थी या आपको पता होगा तो शायद खुद ही आप उनको उठाकर दे दोगे। आपकी मामा अगर के किचन में हैं, आप वो खाना बना चुकी हैं और आप देख रहे हो कि वो अभी भी काम में लगी हो, तो आप क्या करते हो, आप टेबल लगा देते हो, टेबल पे पानी लगा देते हो, प्लेट्स लगा देते हो, है ना। जो मम्मी ने खाना निकाल के रखा है उसको टेबल पे लगा ताकि सब आएँ बैठें और खाना शुरू करें। इस तरह से हम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। फिर है न्यू रिलेटिव्स। कौन होते हैं हमारे न्यू रिलेटिव्स वो होते हैं, सपोज़ हमारे घर में किसी की शादी है तो एक नया मेंबर हमारे घर में जुड़ जाता है ना, या कोई बेबी हो जाता है किसी को, है बेबी बॉर्न हो जाता है, वो भी एक न्यू रिलेटिव है। और अगर हम कोई चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं वो भी हमारा न्यू रिलेटिव कहलाता है। आइए देखते हैं। तानियाज बुआ इज़ गोइंग टू गेट मैरिड सून। तानिया की जो बुआ है उनकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। Another member will be added to Tanya's family. एक दूसरा member Tanya की family में जुड़ने वाला है। Her husband will be Tanya's new relative. उसका husband Tanya का new relative होता है। New relatives are added to our families from time to time. New relatives हमारी family में एक दो बार time to time जुड़ते रहते हैं। A baby is born, अगर कोई बच्चा पैदा होता है। A relative get married, अगर कोई रिश्तेदार की शादी होती है। A child is adopted, और अगर कोई बच्चा गोद लिया जाए तब। Meeting family members, एक family member से हमें मिलना हो या हम कैसे मिल सकते हैं। People who live in a nuclear families meet the other members of the family on special occasion festivals. न्यूक्लियर फैमिली अगर दूसरी फैमिली से मिलना चाहे, सपोज़ मैं अगर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ जाना चाहूँ तो हम कब जाएंगे, ओकेजन्स पे या फेस्टिवल्स पे। फॉर एग्जाम्पल ऑन दिवाली सानियाज अंकल आंट एंड कजन्स कम ऑन देयर हाउस। अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे तो सानिया की फैमिली कब आती है, जब दिवाली होती। कौन कौन आता है, अंकल आंट और उसके कजन्स। दे पुट लाइट एंड डेकोरेट द हाउस टुगेदर। वो लाइट जलाते हैं और अपने घर को एक साथ मिलकर सजाते हैं। दे इंजॉय ईटिंग द स्पेशल डिशेज विद सानियाज ग्रैंडमदर प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ देम। वो बहुत अच्छी अच्छी डिशेज को इंजॉय करते हैं, खाते हैं, जो कौन बनाता है, सानिया की ग्रैंडमदर बनाती हैं। एक ओकेजनली जो हमारे डिशेज बनती हैं वो हमारे क्या 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 बनता है, दिवाली में हमारे गुजिया बनती है, मट्ठी बनती है, नमकीन पर बनते हैं, शक्कर पारे बनते हैं, ये मेरे घर में बनते हैं दिवाली पे। आपके यहाँ भी यही सब चीज़ें, या हो सकता है इससे कुछ और हटके कुछ और अच्छी चीज़ें आपके यहाँ भी बनती होंगी, जो आपके ग्रैंड मदर या आपकी मम्मा मिलके बनाते होंगे। समटाइम्स दे ऑल्सो गो ऑन पिकनिक टुगेदर। कई बार ऐसा होता है कि सब लोग मिलके पिकनिक भी जाते हैं। कई बार होता है, इवन हर छुट्टियों में देखा जाता है कि रिलेटिव्स एक दूसरे के यहाँ आ जाते हैं और मिलके कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जैसे शिमला चले गए, कुल और केरला चले गए, या कहीं और पहाड़ों पे वो घूमने चले गए। तो ये क्या है, ये पिकनिक कहलाती है। साइना लुक्स फॉरवर्ड टू ओकेजन व्हेन शी कैन मीट ऑल हर फैमिली मेम्बर्स। सानिया हर बार ये ऐसे ओकेजन्स ढूंढती है और आगे भी सोचती है कि कौन कौन से ओकेजन्स आ रहे हैं जिसपे वो अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिल सकती है और इन्जॉय कर सकती है। फिर है, होम डू आई लुक लाइक, मैं किसकी तरह दिखता हूँ। मेम्बर्स ऑफ द सेम फैमिली रिजेंबल और लुक लाइक ईच अदर। जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो दूसरे से सिमिलर होते हैं और शायद कहीं ना कहीं हम उनको पहचान सकते हैं कि ये उनका लड़का है या उनकी लड़की है। Sometimes they may have the same habit too. और कई बार देखा जाए तो उनकी आदतें भी कुछ कुछ सेम होती हैं। Saina looks like her mother. जो Saina है वो अपनी मम्मी की तरह दिखती है। Both of them have straight hair and black eyes. दोनों के बाल सीधे हैं और काली आंखें हैं। Most member of Sanya's family are tall and have black eyes. जो उसके ज़्यादातर family members से लंबे हैं और सबकी आंखें काली हैं। वन ऑफ हर आंट इवन हैज़ आइडेंटिकल ट्विन्स। उनमें से उनकी एक आंट है जो आइडेंटिकल ट्विन भी है, मीन्स एक जैसे दो बच्चे हैं। फैक्ट एंड में देखिए, द फीचर्स विच आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड हेरिडिटी फीचर्स। फीचर्स माने विशेषताएं, जो हमारी
ग्रैंडफादर से अगर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन में आई है तो ये क्या कहलाता है? हेरिडिटी फीचर्स कहलाते हैं, ये विशेषताएं कहलाती हैं, ठीक है। टू इंसान चिल्ड्रन बॉर्न टू द सेम मदर एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम, जो ट्विंस चिल्ड्रन होते हैं वो एक ही माँ से जन्म लेते हैं और एक ही समय पर जन्म लेते हैं और देखने में दोनों एक जैसे होते हैं। इन मैनी केसेस दे आर आइडेंटिकल लुक द सेम, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो आइडेंटिकल होते हैं, आप पहचान ही नहीं सकते कि ये छोटा है कि बड़ा है। और इन बच्चों में जब भी ये पैदा होते हैं दोनों साथ में पैदा होंगे, दोनों में एक एक दो दो मिनट का फर्क होगा पैदा होने में, तो ये आइडेंटिकल ट्विंस भी हो सकते हैं। रीड एंड रिफ्लेक्ट, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम हाउस एंड रिलेटेड टू ईच अदर। मैंने आपको बताया एक ग्रुप होता है फैमिली मेंबर्स का जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे की केयर करता है, उसे हम फैमिली बोलते हैं। फैमिलीज कैन बी अ न्यूक्लियर, बिग और स्मॉल और जॉइंट। फैमिली छोटी और बड़ी दोनों हो सकती है, मीन्स न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है और जॉइंट फैमिली भी हो सकती है। A family tree shows a different generation of a family and how they are related to each other. जो family tree है वो generations को show करता है और ये दिखता है उसमें कि वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। New members are added to a family from time to time, और जो new members है उसमें परिवार में time to time पे जुड़ते रहते हैं। We meet the other members to our family on special occasions and festivals. हम अपने दूसरे परिवार के सदस्यों से कम मिलते हैं जब कोई occasion होता है या festival होता है। Tradition and customs are passed on from one generation to another. और जो traditions हैं, means जो रीति रिवाज है, traditions and customs means रीति और रिवाज। जैसे कि बहुत सो के घर में ऐसा होता है कि लोग पल्ला डालते हैं, मीन्स चेहरे को ढकते हैं या सिर को ढकते हैं बड़ों के सामने, तो ये ट्रेडिशन है, ठीक है, कस्टम है जो ये जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है। मीन्स ये दादा दादी भी ऐसा करते थे, फिर मम्मी पापा भी ऐसा करते, फिर जो आने वाले उनकी जनरेशन है वो भी ऐसा ही करेगी। फिर ए मेंबर्स ऑफ अ फैमिली रिजेंबल ईच अदर एंड मे हैव सिमिलर हैबिट्स टू, और जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। कई बार देखा जाता है कि सबकी जो हैबिट्स होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग रिलेटिव्स, आप इन रिलेटिव्स को क्या कहोगे। एक्सरसाइज ए है, फर्स्ट है फादर्स मदर, फादर्स मदर को आप क्या कहोगे, मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई को आप क्या कहोगे, मदर्स सिस्टर, मम्मी की बहन को आप क्या कहोगे, फादर्स यंगर ब्रदर, पापा के छोटे भाई को आप क्या कहोगे, फादर्स सिस्टर, जो पापा की सिस्टर हैं वो आपकी क्या लगती हैं, एंड फादर्स एल्डर ब्रदर, और जो पापा के जो बड़े भाई हैं वो आपके क्या लगते हैं। आई होप ये सारे आंसर्स आपको आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं और आपको क्लिक भी हो गए होंगे कि यहाँ क्या क्या लिखना है। फिर है टिक द करेक्ट आंसर, दे मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, इसमें से आपको सही आंसर ढूंढना है और लिखना, हो सकता है एक से ज्यादा भी इसके आंसर्स हो। फर्स्ट है द फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ फैमिली इंक्लूड्स चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ओनली, ठीक है। आपको पता है इसमें क्या आएगा, फैमिली टीचेस अस, परिवार हमें क्या सिखाता है, फाइट विद अदर फैमिली मेंबर्स, एक दूसरे से लड़ना सिखाता है, बी पोलाइट, हमें दयालु होना सिखाता है या विनम्र होना सिखाता है, रिस्पेक्ट अदर फैमिली मेंबर्स, जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें फैमिली क्या क्या सिखाती है आपको समझ में आया है, आप लगा सकते हैं। फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेशंस गिव अ चांस टू, जो फेस्टिवल्स हैं जो स्पेशल ओकेशंस हैं वो क्या चांस देते हैं, मीट रिलेटिव्स वी डोंट लिव विद अस, उन रिश्तेदारों से मिलने का मौका देते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते, डेकोरेट द हाउस टुगेदर एंड नीट स्पेशल डिशेस, हमें घर सजाने का मौका मिलता है और अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं, स्टडी टुगेदर फॉर एन एग्जाम, और एग्जाम में साथ पढ़ने का मौका मिलता है। ये तीनों ही आपको समझ में आ गए हैं और इसकी आंसर की भी आपके पास है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया और आपको लगता है कि आपका जो आंसर है वो डाउटेड है, आप उससे टैली कर सकते हैं, ठीक है। फिर है टेक द करेक्ट आंसर, फिर से आया मतलब एक आंसर के, एक क्वेश्चन के दो आंसर है, उसमें से आपको एक टिक करना है। फर्स्ट है अ जॉइंट ऑब्लिक न्यूक्लियर फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स वन और टू चिल्ड्रन, जॉइंट फैमिली में एक या दो होते हैं कि न्यूक्लियर में होते हैं, ये आपको पता है।
ठीक है. सेकेंड है चिल्ड्रेन ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम द थर्ड जनरेशन इन अ फैमिली ट्री. थर्ड जनरेशन कौन सी होती है, ग्रैंड पेरेंट्स की होती है कि चिल्ड्रंस की होती है, ये आप भी लिख सकते हैं. अ फैमिली ट्री शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स. जो फैमिली ट्री है वो किस में रिलेशन शो करता है, नेबर्स के बीच में कि फैमिली के बीच में. फैमिली टीचेस अस बैड और गुड हैबिट्स. फैमिली हमारे को क्या सिखाती है, अच्छी बातें, अच्छी आदतें, या बुरी बातें या बुरी आदतें. फिफ्थ है आइडेंटिकल ट्विंस रिजेंबल नॉट रिजेंबल ईच अदर. जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं क्या वो रिजेंबल होते हैं कि नहीं होते हैं, लिख दीजिए क्या होता है. फिर है डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ डज अ जॉइंट फैमिली डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, पहला क्वेश्चन है ये. आपको बताना है जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से कैसे डिफर है, एक बड़ी फैमिली और छोटी फैमिली में क्या डिफरेंस है ये बताना है आपको. दूसरा है व्हाट इज़ अ सिंगल पेरेंट फैमिली. सिंगल पेरेंट फैमिली जिस परिवार में एक ही पेरेंट है वो क्या है, ठीक है वो लिखना है. लिस्ट सम ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली. आपको वो बातें लिखनी हैं, उसकी लिस्ट बनानी है जो आप अपनी फैमिली से सीखते हैं. फोर्थ है इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर फैमिली इन द वे यू टॉक वॉक और स्माइल. राइट द नेम ऑफ द फैमिली मेम्बर एंड द सिमिलैरिटी. फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि आप अपने परिवार में किससे सिमिलर करते हो, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, आदतों में, आप किससे सिमिलर हो उसके बारे में नाम लिखो और बताओ आपकी क्या क्या सिमिलैरिटी उनसे मिलती है, ठीक है. फिर ई है राइट ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट है फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर आर कॉल्ड ज्वाइंट फैमिली. जिस फैमिली में सिर्फ बच्चे और माँ बाप होते हैं क्या वो ज्वाइंट फैमिली है, आपको आंसर आता है. सेकेंड है अवर फैमिली इज अवर फर्स्ट स्कूल. क्या फैमिली हमारा पहला स्कूल है. थर्ड वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड सम इम्पॉर्टेंट डेज टुगेदर. हम फेस्टिवल्स और जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो एक साथ मनाते हैं. अ फैमिली ट्री स्टार्ट विद द थर्ड जनरेशन. फैमिली ट्री हमेशा थर्ड जनरेशन से स्टार्ट होता है. वी शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स. हमें अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, रखना चाहिए. अब आपको इसके आंसर मुझे पता है, आपको सब आता है, आपने सब लर्न भी कर लिया होगा और ये बहुत अच्छी बात है. और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, समझें, सुनें और इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएं. ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, इसकी आंसर की आपके पास है, इसकी वर्कशीट भी आपके पास है ना. दोनों ही जो बुक कंटेंट है ये और जो वर्कशीट का कंटेंट है वो दोनों ही आपके चैप्टर से ही हैं. अगर आप याद करने बैठोगे और चैप्टर को दोबारा से एक बार रीड करोगे तो आपको आंसर्स अपने आप आ जाएंगे. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.